गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां भागवत प्रवक्ता अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने अपने शिष्यों को भगवत स्मरण में लीन होने का मंत्र दिया। आज पूरा देश गुरु पूर्णिमा पर्व मना रहा है। शिष्य अपने गुरु के पास जा रहे हैं और उनके चरणों की पूजा कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, अपने भविष्य को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गुरु ही वह एक मनुष्य है जो भगवान का रूप है और शिष्य को अपने को उत्थान के लिए, उसके सृजन के लिए, उसके ज्ञान के लिए वह उसे प्रेरित करता रहता है और उसे ऐसा सृजन करके उसे वृक्ष के रूप में बनाता है कि वह आने वाले जो समय है उसमें वह अपने आप को अच्छे से निर्वाण कर सके। आज इस समय मौजूद हैं गोगोपाल आश्रम पर, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि श्रद्धालुओं की अपार भीड़ यहाँ पर पहुँची हुई है और अपने गुरु के दर्शन करना चाहती है और अपने गुरु के चरणों में पुष्प अर्पण करना चाहती है। उनसे कोई गुरु दक्षिणा लेने आ रहा है तो कोई उनके दर्शन मात्र से ही अपने आप को जीवन धन्य बना रहा है। मैं अपने साथी से कहूँगा कि जो पूरी श्रद्धालुओं की भीड़ है उसको दिखाएँ कि कितनी भारी तादाद में इस गौरी गोपाल आश्रम में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ है। गेट से ही काफ़ी भीड़ है, आप सामने देख रहे होंगे ही अनुरुद्धाचार्य जी महाराज अपने आसन पर विराजमान हैं और सभी भक्त कतारबंद तरीके से बारी बारी से अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं उनके चरणों की सेवा के लिए, क्योंकि गुरु की आज सेवा का विशेष महत्व है। आज गुरु के चरणों में अपार प्रेम रखने वाले शिष्य गुरु के पास जाते हैं, उनके आश्रम में जाते हैं, उनके चरणों की सेवा करते हैं। तो ये गौरी गोपाल आश्रम का नज़ारा है और भी कई नज़ारे आपको दिखाएंगे, बात करेंगे यहाँ भक्तों से कि उनके क्या जो विचार हैं वे आज यहाँ पे लेकर आए हैं। साथ मौजूद हैं महंत श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज, उनसे आज के विषय में जानेंगे। महाराज जी, आज गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आज? बधाई हो आप सबको गुरु पूर्णिमा की, लाखों लाख बधाई, खुश रहिए। आज का पर्व भी गुरु और शिष्य का है तो शिष्यों के लिए कथा सुनते रहें और भगवान की भक्ति करते रहें। भगवान से जोड़ने का दिन है आज गुरु पूर्णिमा। हर गुरु यही चाहता है कि हमारा शिष्य भगवान से जुड़ जाए, तो ये भगवान से जोड़ने का दिन है। सर भगत कथा सुने, भगवान का चिंतन, भगवान के नाम से ही उद्धार होगा, और कोई उपाय नहीं। तो ये थे अनुरुद्धाचार्य जी महाराज, जो कि बता रहे थे कि आज गुरु पूर्णिमा पर्व है, जो शिष्य आ रहे हैं उनको उन्होंने आशीष भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवत कथा का स्मरण करते रहें, ठाकुर जी में प्रेम रखें तो उसका जीवन धन्य है। तो अभी के लिए बस इतना ही। गोगोपाल आश्रम से अपने सहयोगी विवेक के साथ में श्यामोनु चतुर्वेदी, G9 न्यूज़ के लिए।